देख रहे हैं डेल प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ संकल्प तिवारी। जहां एक और सीएम योगी अवैध खनन पर सख्त कानून बनाने के साथ ही खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कवायद कर रहे हैं, जिसके चलते अवैध खनन में शामिल खनन माफियाओं से लेकर जिम्मेदार आला अधिकारियों तक नकेल कसी जा रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद भी यूपी के कानपुर देहात में SCL कंपनी के ठेकेदार और खनन इंस्पेक्टर ने मिली भगत करके अवैध खनन के खेल को बेखौफ होकर अंजाम दे डाला और सरकार का करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। वहीं जिम्मेदार अधिकारी मात्र जांच कराने की बात कर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार ऐसे भ्रष्ट खनन इंस्पेक्टर पर कब कार्रवाई करती है। दरअसल कानपुर देहात में कानपुर से झांसी रेलवे लाइन में दोहरीकरण का काम कराया जा रहा है। रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए रेलवे ने SCL कंपनी को ठेका दिया है, लेकिन SCL कंपनी के ठेकेदार ने खनन इंस्पेक्टर से मिलीभगत करके बिना परमिशन लिए सेंगू नदी से करोड़ों रुपए का बजरा निकाल लिया और करोड़ों रुपए बजरा नदी के पास दूर जंगल में छिपाकर रख दिया। जनपद में बैठे अधिकारियों को इसकी कानों कान तक खबर तक नहीं हुई है। अधिकारियों की आंख में धूल झोंक SCL कंपनी के ठेकेदार और खनन इंस्पेक्टर ने योगी सरकार का करोड़ों रुपए की चोरी कर जनपद में खलबली मचा दी है, जबकि रेलवे SCL कंपनी को काम कराने के लिए पूरा पैसा देती है। इसके बाद भी SCL कंपनी ने खनन इंस्पेक्टर के साथ मिलकर बिना परमिशन नदी से बजरा उठाकर दोहरीकरण हो रही लाइन में बिछा दिया गया बहुत सा बजरा जंगलों में छिपा कर रख दिया है। वहीं मीडिया द्वारा जब SCL कंपनी और खनन माफियाओं के इस खेल की जानकारी जिले के DM प्रशासन को ही तो जानकर हैरान रह गए और पूरे मामले की जांच करा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब योगी सरकार में बैठे खनन विभाग के अधिकारी ही अवैध खनन कराने में लिप्त होंगे तो यूपी में अवैध खनन पर कैसे रोक लग पाएगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि ऐसे में योगी सरकार ऐसे खनन इंस्पेक्टर पर कब और कैसे कार्रवाई करती है। कानपुर देहात से संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट। SCL कंपनी है जो रेलवे का काम कर रही है, गलत तरीके से नदी से बजरा निकाला गया सेंगू नदी से, इसके बाद अलग तरीके से बिना परमिशन के डंप किया गया। क्या है पूरा मामला? इसका मामला ये है कि ये कंपनी बिना किसी अनुमति के सेंगू नदी से बजरा निकाल करके और जिस स्थान पर खड़े हैं यहाँ पर वो डंप करा रही है लगते 2 महीनों से 3 महीनों से और ये आगे यहाँ आटा तक ले जाते हैं अपने काम के लिए। किस तरीके से कार्य करते हैं? ये ट्रकों से ले जाते हैं, इधर कुछ ट्रैक्टरों से डंप कराते हैं और इतना एकांत इन्होंने बना रखा है कि यहाँ जनरली से किसी की नजर ही नहीं पड़ती है। कहना है तो ये अनलीगल काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? इस पे शासन को इसकी जांच करनी चाहिए, शासन को इसको देखना चाहिए और मीडिया को इसको उठाना चाहिए। ऐसी इंटीरियर जगह होने की वजह से एक्चुअली जानकारी ज्यादा नहीं हो पाती है तो इसको उठाना चाहिए। किस नदी से निकाल रहे हैं? ये सेगो नदी से। अब तक राजस्व का उन्होंने करोड़ों रुपए का चूना लगाया है, क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए इनके लोगों के? इनकी जांच होना चाहिए और इनके खिलाफ जो भी गलत तरीके से करे कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून संगत हो। शासन ने अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया, क्या मानते हैं? ने क्या ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने बहुत ही इंटीरियर जगह में बना रखा है तो शायद इसी वजह से वहां तक ना नजर पहुंच पाई हो, शासन की न देख पाई हो। हम एक इस क्षेत्र के नागरिक होने के नाते और एक राष्ट्र हित के नाते कि खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कोई अवैध खनन नहीं होना चाहिए इस तरीके से बिना परमिशन के, तो हम उसकी जानकारी दे रहे हैं, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। बाकी सर, रेलवे का निर्माण करा रही कंपनी SCL ने सेंगू नदी से करोड़ों रुपए का बजरा निकाल के राजस्व का चूना लगाया है, क्या कहेंगे इस पे? आपके द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में लाया गया है, SDM और खनन निरीक्षक की टीम बनाकर इस प्रकरण की जांच करवाई जाएगी और नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है कार्रवाई कराई जाएगी।